गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने हमारी मैथ्स में चैप्टर 7 फ्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि हम इम्प्रॉपर से कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। और जो कुछ शेडेड पोर्शन था उसका फिर हमने निकालना सीखा था कि डिनोमिनेटर में टोटल फ्रैक्शन आता है और ऊपर आपको शेडेड पूछा या नॉन शेडेड, फिर वो अपन लिखते थे। अब आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमें आज क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है ये सीखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, कि ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल हो। फ्रैक्शन कैसे, जैसे हाफ है तो हाफ के जो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, जो इस फ्रैक्शन के इक्वल और फ्रैक्शन होंगे उसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इक्वल कैसे, जैसे 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 100/200, ये सब 500/1000, ये सब आपस में इक्वल है कि मैं, ठीक है इक्वल है पर है कैसे? तो देखो कैसे है, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम करते क्या है कि इसके फ्रैक्शन में और इक्वल कैसे हो सकता है, तो हम उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अब सिर्फ 2 से न्यूमिनेटर नहीं होगा या सिर्फ डिनोमिनेटर नहीं होगा, दोनों होंगे, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा साथ में चलेगा। अगर आप न्यूमिनेटर में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। 2 1 2, 2 2 4, ऐसे 2 के बाद में 3 से, 3/3, 3 1 3, 3 2 6, ऐसे 3 के बाद में 4 से, 4 1 4, 4 2 8, तो ऐसे ये फ्रैक्शन आगे चलते रहते हैं। अब नंबर्स तो इन्फाइनाइट होते हैं, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैं हाफ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 1 1 1 / 1 1 1, तो ऊपर तो 1 1 1 आएगा, नीचे 222 आ जाएगा। किसी भी नंबर से इन्फाइनाइट होते हैं, आप कितने भी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आप मल्टीप्लाई कर लो 1 4 6 8 9, तो नीचे भी 1 4 6 8 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा कि आप मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे, बड़े बड़े नंबर लोगे फिर मल्टीप्लाई करने, यहाँ तो सिर्फ 1/2 है, कई बार आगे 12 11/12, 18/2, 1 1 1/303, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो, तो उससे क्या होगा कि हमारे को ही लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नंबर्स नहीं करते हैं, 2 3 4 5, हम इन्हीं से मल्टीप्लाई हमारा करते हैं, ताकि हमारा मल्टीप्लाई भी जल्दी हो जाए और गलत भी ना हो। अब इसमें हमारे रॉन्ग होने के भी तो फुल चांसेस हो सकते हैं कि हो सकता है हमारा मल्टीप्लाई गलत हो गया, हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो इसलिए। लेकिन छोटे नंबर्स में हमारे वो प्रॉब्लम भी नहीं होती, क्योंकि 2 3 और 4 इनसे तो आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब देखो इन, जैसे मैंने लिखा 2/4, तो इसको वापस कट करने पे हाफ ही आएगा तो ही इक्विवेलेंट है। देखो 2 की टेबल में 2 1 बार आता है, 2 की टेबल में 4 2 बार, ऐसे मैंने लिखा था 6/12, दोनों एक टेबल में आते हैं 6 की टेबल में, 6 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 1 बार, 12 कितनी बार आता है 2 बार, देखो आ रहा है ना हाफ, मतलब इस तरीके से ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ये फ्रैक्शन जो होते हैं वो आपस में इस तरह से इक्वल्स होते हैं। तो आज हम यही पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और इसी की एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चन है जो हम करेंगे। जैसे देखो 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट द फ्रैक्शंस। देखो सबसे पहले जो शेडेड है हमें उसका फ्रैक्शन लिखना है, और फिर ये बता रहे हैं कि क्या सारे फ्रैक्शंस इक्वल है। सबसे पहले इसका लिखो, देखो ये क्या हो जाएगा, टोटल सबसे पहले फ्रैक्शन टोटल है कितने पार्ट, 2 पार्ट, शेडेड कितना है 1, ठीक है 1/2। अब इसका देखो टोटल पार्ट कितने हैं 4, शेडेड कितना है 2, टोटल पार्ट कितने हैं 6, शेडेड कितना है 2, टोटल पार्ट कितने हैं 8, शेडेड कितने हैं 4। अब देखो 1/2 के इक्वल है क्या 2/4 के, बिल्कुल इक्वल है। देखो अभी हमने यहाँ पे किया था कि ये सारे इक्वल है, क्योंकि फिर देखो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल है, यस, क्योंकि 2 की टेबल में इन सबको आप जब कट करोगे, देखो जैसे 2/4 को जब अपन कट करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 2/4 को अपन जब कट करेंगे तो अपने पास में 1/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा। फिर जब आप 3/6 को कट करोगे तो भी आपके पास 1/2 आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 3 कितनी बार आता है 1/6, 2 बार, 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है 1/8, 2 बार, क्या ये चारों इक्वल, हाफ हाफ हाफ,
तो यस ये सारे आपस में इक्वल है। अब देखो सेकंड टोटल फ्रैक्शन कितने, 1, 2, 3, 4, 12 टोटल फ्रैक्शन कितने हैं, 12, 12 में से शेडेड कितने हैं, 3, टोटल फ्रैक्शन कितने हैं, 5, 7, 8, 9 है, उसमें से शेडेड कितने हैं, 3, टोटल फ्रैक्शन कितने, 1, 2, 3, 5, 6, शेडेड कितने हैं, 2, सॉरी यहाँ पे आपके टोटल 4 शेडेड है, कितने शेडेड है, 4, और यहाँ पे टोटल 1 शेडेड है कितने में से, 3 में से, यहाँ पे टोटल है कितने, 15, शेडेड कितने हैं, 6। अब देखो 4 और 12 सेम किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में 4 वन बार, 4 की टेबल में 12 3 बार, 3 की टेबल में 3 वन बार, 3 की टेबल में 9 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 2 की टेबल में 2 वन बार, 6 3 बार, ये तो ऑलरेडी 1/3, ये तो कट भी नहीं हो रहा है। अब देखो 6 और 15 सेम किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आती है, 1 तो लेना ही नहीं है, 2, 2 की टेबल में 6 तो आता है, 15 आता है क्या, नहीं आता, के बाद में 3, 3 की टेबल में 6 आता है, बिल्कुल 15, बिल्कुल। तो देखो 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, 15 कितनी बार आता है, 5 बार। अब देखो ये तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, लेकिन ये क्या है, 2/5, तो ये सारे इक्वल हुए क्या, नो, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, नो, कि नहीं ये सारे हमारे इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं ये सारे इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द ईच रो। देखो ये सारी रो है, इसमें से हमें जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है वो बता के पेयर बनाना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, देखो टोटल पार्ट 2, शेड कितना है, 1, टोटल पार्ट कितने हैं, 6, शेड कितना है, 4, टोटल पार्ट कितने हैं, 9, शेडेड कितना है, 3, टोटल पार्ट कितने, 1, 2, 3, 4, 8, शेडेड कितने हैं, 2, टोटल पार्ट कितने हैं, 4, शेडेड कितने हैं, 3। अभी आपको कट नहीं करना, देखो टोटल पार्ट कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 में तो शेडेड कितने हैं, 3 + 3, 6, टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 में तो शेड कितने हैं, 4, टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 16, और शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 में से शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, शेडेड कितने हैं, 4। अब देखो आप इनको कट कर लो, इनको क्या कर लो, कट कर लो, इनको भी कर लो, अगर हो रहे तो 2 दोनों सेम, 1, 2 से स्टार्ट करो, 2 की टेबल में आते हैं, बिल्कुल 2 की टेबल में 4 2 बार, 6 3 बार, 3 की टेबल में 3 1 बार, 9 3 बार, 2 की टेबल में 2 1 बार, 8 4 बार, ये तो 3/4 ही रहेगा। अब देखो 6 और 18, पहले 6 की टेबल में देख लो, 6 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 12 और 16, अब 12 की टेबल में तो 16 आता नहीं है, तो अब एक ऐसा नंबर देखो जिसमें ये दोनों आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं, 2 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 6 बार, 16, 8 बार। अब देखो अभी भी 2 की टेबल में 16 आएगा, 6 आएगा 3 बार, 8 आएगा 4 बार, ये अलग है, ठीक है। अब वापस से 8 की टेबल में 12 आता नहीं है, 2 की टेबल से देखो, 2 की टेबल में 8 कितनी बार आएगा, 4 बार, 12 6 बार, अभी भी जा रहा है, 2 की टेबल में 2 4 बार और 6 3 बार, 4 की टेबल में 16 आता है, बिल्कुल 4 × 1 = 4, और 16 कितनी बार आता है, 4 बार आता है। अब देखो ये 1/3 और किस में है, सी में है, तो ये जो सी है, सी देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि ए, ए किसके साथ मैच हो रहा है, बी सी डी ई, देखो ए 1/2, 1/2 और कहाँ है, ये रहा, तो एक किसके लिए पेयर बनेगा, सेकंड के लिए, बी में है 2/3, 2/3 और कहाँ है, ये रहा, तो बी पेयर बनेगा 4 के लिए, सी में है 1/3, तो 1/3 पेयर बनेगा 1 के लिए, डी में है 1/4, तो 1/4 पेयर बनेगा
सर्किल ई में है 3/4, तो 3/4 बनेगा, फिर बनेगा 3 के लिए। बस आपको ये बता फ्रैक्शन लिखना है, कट हो रहा है तो उसे कट करना है, और फिर आपको ये पेयर बना देने की मैच करना है कि ए सेकंड से मैच हो रहा है, बी फोर से, सी फर्स्ट से, डी फिफ्थ से, और ई थर्ड के इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिप्लेस ब्रैकेट, कि ब्रैकेट है उसकी जगह हमें रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट नंबर, करेक्ट नंबर से हमें इसको रिप्लेस करना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो 2 से इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल तो होंगे, तो 2 से 8 गया है, मतलब 2 से 8 कैसे गया, देखो ये ऐसे होता है कि वो 2 से 8 अपॉन 7, और यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आएगा। देखो 2 से ये 8 गया है ना, तो मतलब 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 की टेबल में 8 आ रहा है 4 टाइम्स, मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई किया है। देखो फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तो सिर्फ मल्टीप्लाई से होंगे या सिर्फ डिवाइड से ही होंगे, ध्यान रखना है, या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, इसमें प्लस या माइनस नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होगा, ध्यान रखना है। तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स। तो मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन की, अगर ऊपर न्यूमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 7 4 20 8। तो यहाँ पे आपका 2 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 4 बार। 2 की टेबल में 8 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 7 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 7 4 20 8। ऐसे ही ठीक है। तो अब हमें हमारे यहाँ जैसे क्या, अब देखो 5 की जगह आया है 10, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, तो 8 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो मतलब 8 2 16, तो मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 16। अब देखो यहाँ ऊपर नहीं तो नीचे लिखा है, तो मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, 5 की टेबल 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, तो 3 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 3 4 12। अब देखो यहाँ उल्टा है ना, यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा, तो कोई बात नहीं, ऐसे देख लो 15 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है, 15 को 3 से, तो आप इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, जहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो 60 आएगा ना, लेकिन ये उल्टा है, तो आप कुछ कोई बात नहीं 60 को 3 से आप डिवाइड कर लो। देखो उल्टा जा रहे हैं ना अपन, ऐसे मल्टीप्लाई के ये नंबर नहीं है, मतलब अपन को उल्टा करना है, मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, मतलब 60 को आप 3 से डिवाइड कर लो, तो ये आएगा 20, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 20, और देखो मल्टीप्लाई करने पे 60 भी आता है। उल्टा जाना हो तो आप डिवाइड कर लो। अब जैसे इसमें जाना है 4 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है, 6 से। अब लेकिन यहाँ तो नंबर पता ही नहीं है, ये तो पता है ना यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे भी मतलब जो भी नंबर होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब कौन से नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है, तो क्या करो एक मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, 18 को 6 से डिवाइड करो, तो आंसर आएगा 3, मतलब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20। डिनोमिनेटर मतलब 5 की जगह, हमें डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है, 5 की जगह क्या लाना है, 20 लाना है। ठीक है, तो देखो हमारे पास डिनोम क्वेश्चन क्या है, 3/5 फोर्थ क्वेश्चन है, टोटल फ्रैक्शन है 3/5, उसका फर्स्ट है डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर में 20 लाना है, तो आप पहले लिखोगे 3/5 इक्वल टू अपॉन में 20, 5 की जगह क्या लाना है 20 लाना है, मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 20 आया होगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आया होगा। अब अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमिरेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो 4 3 12, ये हो गया फर्स्ट। इसी के सेकंड में देखो न्यूमिरेटर में हमें 9 लाना है, किसमें, न्यूमिरेटर में हमें लाना है 9। ठीक है, ले आएंगे 3/5 9 अपॉन, पता नहीं 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 9 आता है, 3 को 3 से, तो अब न्यूमिरेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 5 3 15। नेक्स्ट डिनोमिनेटर 30 और न्यूमिरेटर 27, ये दो आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट
फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विथ न्यूमिरेटर 9। देखो 36/48 क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को ये है 36/48 पहले में है न्यूमिरेटर और यहाँ है डिनोमिनेटर। देखो न्यूमिरेटर 9 डिनोमिनेटर 4 ये लिखा हुआ है, इसमें अपन को न्यूमिरेटर में 9 लाना है, मतलब 36/48। देखो 36 से अपन को 9 लाना है, अब मैंने क्या बोला उल्टा जा रहा है, कम से ज्यादा, या ऐसे देख लो कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 36 आया, या ऐसे देख लो कि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, मतलब 36 को किससे डिवाइड करें कि 9 आ जाए, 4 से, किससे करेंगे 4 से, तो नीचे भी अपन को किससे करना पड़ेगा 4 से, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, देखो कैसे 36 से 9 गया है ना, तो आप क्या करो 36 को 9 से डिवाइड करो, आंसर आया 4, यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा, फिर आप उसको क्या कर लोगे डिवाइड कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये देखो 36/48 डिनोमिनेटर में 4 लाना है, तो सबसे पहले 48 को 4 से, अब क्योंकि अपन डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा लो, किसका साइन लगा लो डिवाइड का, तो आया 12, क्या आया 12, तो मतलब 48 को 12 से, तो ऊपर भी किससे डिवाइड करेंगे 12 से, 12 के टेबल में 36 3 बार, तो ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके बेटा, कि कब मल्टीप्लाई क्या है, छोटे से बड़ा मल्टीप्लाई, बड़े से छोटा डिवाइड। ठीक है, बस फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट लिख रहा है, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, अगर छोटे से बड़ा जा रहा है मतलब वो बढ़ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब बढ़ना, और अगर बड़े से छोटा जा रहा है मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब घटना, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आज तो हम इतना ही करेंगे, बाकी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th और 9th करेंगे। ठीक है, अब इसके हमारे 4 क्वेश्चन बचे, 6th, 7th, 8th, 9th, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा है कैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो कैसे हम उनको इक्वल होते हैं, वो हमें देखना है कि हम चेक करने की कंपेयर करना है कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।